का सादर प्रणाम। प्रारंभ होने जा रहा है आज की ध्यान यात्रा का, और ध्यान यात्रा के साथ चलने वाली चिंतन यात्रा का। चिंतन दोनों ही पहलू ऐसे हैं जैसे बहती नदी के दो किनारे। जो प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा हमारे भीतर श्री मां की कृपा से बहने प्रारंभ हो जाती है, उसका एक किनारा मां के प्रेम को महसूस करते जाना ध्यानस्थ अवस्था में, और दूसरा किनारा ध्यानस्थ अवस्था की स्थिति में अनजाने मानवीय पहलुओं को अपनी चेतना के समक्ष लाकर मां की उपस्थिति में उनका निस्तारण करना, और निस्तारण करके समाधान को प्राप्त होना। ध्यान व चिंतन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बगैर ध्यान का औचित्य ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ध्यान मानवीय जीवन को सुंदर सुंदर समाधान देकर उच्च अवस्था की ओर ले जाने का एक साधन है, और साथ ही इस दौरान परम के साथ जुड़कर उनके सानिध्य का आनंद उठाते हुए अपनी चेतना को उनमें विलय कर देना। इस प्रकार से दोनों ही आवश्यक आवश्यकताओं के रहते हुए हम विकसित होते हैं। धीरे धीरे हमारे अंतःकरण का विकास होता है, अपने ही जीवन की उन सभी स्थितियों को अपनी चेतना के समक्ष लाने का मौका मिलता है। जो स्थितियां सदा हमारे इर्द गिर्द रही पर कभी अवलोकन ना हो पाया, या यूं कहें अवलोकन की शक्ति तो ध्यानस्थ अवस्था में ही प्राप्त होती है। तो चलते हैं हम सभी ध्यान यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट यानी मध्य हृदय में, जहां पर श्री मां उपस्थित सदा रहती है, सदा साधकों की प्रतीक्षा करती है कि कब साधक आए और कब वो उनको अपना प्रेम दे, अपनी शक्तियां दे। पहुंचते हैं अपने समस्त संगी साथियों के साथ अपने ही हृदय में। जो संगी साथी ध्यान की यात्रा के साथ हमारे चलते हैं, और उन सभी की सहायता से हमारी चेतना उन्नत होती है। साष्टांग प्रणाम करते हैं श्री मां को, अपने ही स्वयं के मध्य हृदय। और प्रणाम के साथ रखते हैं अपने चित्त मन चेतना व जागृति को उनके श्री चरणों में।
श्री मां के प्रेम का अनुभव, हमारा संस्कार वह हृदय करने लगा है। संस्कार पे बढ़ती हुई झंझनाहट, खिंचावट मां के अगाध प्रेम का वर्णन कर रही है। इसी के सुर में सुर मिलाता हुआ मध्य हृदय आनंद के साथ श्री मां की स्तुति गान करने में लगा है। भीतर का सारा वातावरण एक आनंदित, भीतर में घटित होने वाले, भीतर में ही बजने वाले मधुर संगीत से गुंजायमान हो रहा है। यह संगीत हमारे कानों से सुनाई नहीं देता, बल्कि हमारे भीतर में कहीं गहरे में बजता हुआ महसूस देता है। और यही वो संगीत है जिस पर हमारा चित्त व चेतना मुग्ध हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं। हुआ सहस्रार का खिंचाव और खिंचता हुआ मध्य हृदय ध्यान की आनंददायी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। कुछ देर इसी सुंदर अवस्था में हम बिताते हैं। सेंट्रल हार्ट पर शस्त्रार पर चित्त रखे रखे हम इस अनुपम गीजा को अपने भीतर में शोषित करते जाएंगे। महसूस कर सकते हैं कोई विचारों का आवागमन नहीं, सभी कुछ एकदम शांत हो गया। भीतर में स्थिरता का उदय हो गया। अब बैठ जाते हैं उठकर अपने ही हृदय में ध्यान की मुद्रा में। पूरा चित्त अपने ही हृदय में स्थित श्री मां पर रखेंगे और किन्हीं स्थानों पर उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशंस यानी ऊर्जा की हलचल को चित्त के माध्यम से आत्मसात करते जाएंगे।
देख सकते हैं हमारे चित्त में शून्यता घटित हो रही है। इस घटित होती शून्यता में हमारा संपूर्ण अस्तित्व समाता जा रहा है। जैसे कि धीरे धीरे हम नदी में उतरते हैं और अंततः नदी का जल हमारे सर की सतह से भी ऊपर बहने लगता है, यानी हम डुबकी लगाकर नदी में बैठ जाते हैं और भीतर में बहने वाले पानी के करंट को अपने अंग प्रत्यंग में महसूस करते हैं। इसी प्रकार से हम इस बहती ऊर्जा के भीतर में डुबकी लगाकर बैठ जाते हैं और परिणाम स्वरूप आंतरिक यंत्र के विभिन्न स्थानों का ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो समय रुक गया हो। हमारी चेतना हमारे ही भीतर में समा रही है। स्वयं को स्वयं के भीतर समाते हुए एक हार्दिक प्रसन्नता, एक स्वार्गिक आनंद की अनुभूति हो रही है। जैसे कि मानो हमारे ऊपर अनेक जिम्मेदारियों का बोझा था, वो हल्का हो रहा है। एक दो मिनट के लिए इसी अवस्था को हम मेंटेन करते हैं। भीतर में समाधि हुई हमारी चेतना गदगद हो रही है, जैसे कि मां से कई वर्षों से पिछड़ा हुआ बच्चा पुनः मिल रहा होता है। हमारी चेतना एक शिशु जैसी है जो भीतर में स्थित मां के साथ अत्यंत प्रसन्न होती है।
माँ के सानिध्य का आनंद उठा यह चेतना रूपी शिशु अत्यंत प्रसन्न होता है। सुकून व शांति का अनुभव करता है और निश्चिंत हो जाता है। यही निश्चिंता की अनुभूति ध्यानस्थ अवस्था में सीमा के सानिध्य में घटित होती रहती है और अभी भी घटित हो रही है। इस अद्भुत शांति में हम समाए जा रहे हैं। पूर्ण निस्तब्धता हमारी चेतना में समा रही है। शून्यता केवल शून्यता हमारे चित्त में हमारी चेतना में विराज गई है। संपूर्ण सूक्ष्म यंत्र में एक आनंदमयी ऊर्जा का प्रभाव घटित हो रहा है। इतनी अलौकिक अवस्था में कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा, परंतु क्योंकि ये ध्यान का सेशन ऑडियो पर निर्भर करता है, इसीलिए शब्द हृदय से प्रस्फुटित होकर बाहर की ओर बह रहे हैं। जैसे कि सूर्य उदय होने पर सागर या नदी का जल धीरे धीरे वाष्पीकृत होता जाता है, ऐसे ही
परम के सानिध्य रूपी सूर्य ने जो हमारे चेतना रूपी सागर के ऊपर मुखर हुआ है, ध्यान की अवस्था शब्द रूपी वाष्प बन बनकर बाहर की ओर आ रहे हैं। इस क्षण मन पूर्ण विश्राम पर है, जिसके कारण किसी भी प्रकार के भूत भविष्य के वर्तमान के विचारों का आवागमन नहीं है। बस केवल और केवल हृदय का प्रस्फुटन जारी है। अपनी चेतना को इस आनंदमय मिलन में जोड़ लेते हैं। सहस्त्रा विशुद्धि मध्य हृदय नाभि समस्त सूक्ष्म यंत्रों में समस्त चक्रों में ऊर्जा का संचार घटित हो रहा है। संचार के रूप में भीतर में स्थित समस्त देवगणों का प्रेम हमको प्राप्त हो रहा है। शून्य के रूप में परिवर्तित होती चेतना को अब हम भीतर से बाहर की ओर निकालते हैं, यानी भीतर की यात्रा से निकाल बाहर की यात्रा में इसको लगाते हैं। अपने चित्त व चेतना को हम सहस्त्रार पर ले जाते हैं। और महसूस करते हैं कि सहस्त्रार रूपी छत पर क्या घटित हो रहा है।
प्रतीत होता है, जैसे छत पर जाने पर मध्यम गति से बहती वायु के झोंके हमें स्पर्श करते रहते हैं और हमको बड़ी सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं। कुछ ऐसी ही अवस्था हमारी चेतना की घटित हो रही है। मां आदि शक्ति के अनेकानेक प्रेममयी झोंके हमारी चेतना को प्रफुल्लित कर रहे हैं। और हमारी चेतना मां आदि शक्ति के प्रेम से अनुग्रहित होती जा रही है, नतमस्तक होती जा रही है। अब हौले हौले से जरा आकाश के भी नजारों को महसूस करते हैं। आकाश धरती का आवरण है, या यूं कहें धरती की सतह पर मानवों के द्वारा जाने वाली समस्त गतिविधियों का साक्षी है। मानवीय भूलों का आहरण करता है, बाह्य ज्ञान के मद में चूर अहंकार से युक्त मानव न जाने इस धरा पर कितने प्रकार की नकारात्मक प्रकृति विरोधी परमात्मा विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। और उन गतिविधियों से फूटने वाली नकारात्मक ऊर्जा को चेतना के साथ विशालतम आकाश के विचरण में लगा देते हैं और विचरते विचरते आकाश में उपस्थित मां की विभिन्न शक्तियों को ऊर्जा के रूप में स्थित है अपनी चेतना में चित्त के माध्यम से शोषित करते चाहेंगे। 1.5-2 मिनट के लिए हम अपनी चेतना के माध्यम से आकाश के प्रेम को ग्रहण करेंगे।
जैसे कि मधुमक्खी उड़कर पुष्प पर बैठती है और पुष्प रस को वो लगातार ग्रहण करती जाती है, तो उस मक्खी की तरह ही अपनी चेतना को हम आकाश के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और आकाश की शक्ति रूपी रज को अपने भीतर में शोषित करते जाएंगे। डेढ़ दो मिनट के लिए इसी अवस्था का आनंद उठाते हैं। कितना आनंददायी विचरण है हमारी चेतना का विशाल आकाश में। जैसे कि गरुड़ आकाश की ऊंचाइयों पर तैरता रहता है और वहीं से ही पृथ्वी के समस्त नजारों का आनंद लेता है, ठीक इसी प्रकार से हमारी चेतना हमारे भीतर के संसार के ऊपर तैर रही है। आनंद प्राप्ति के साथ साथ प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमारे अंतःकरण में असीम आनंद को भरती जा रही है। हमारे यंत्र के स्थानों को केंद्रों को पोषित करती जा रही है। धीरे धीरे अपनी चेतना में चित्त को हम अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में ले चलते हैं। अंतरिक्ष की गहनता में समाधि हुई हमारी चेतना भिन्न प्रकार की आवृत्ति वाली ऊर्जाओं को हमारे भीतर प्रेषित कर रही है, जिसका प्रभाव हमारे सहस्त्रार हमारे मध्य हृदय हमारे संपूर्ण यंत्र में घटित हो रहा है।
शून्यता, इस अवस्था में भी घटित हो रही है, या यूं कहें इस वक्त किसी भी विचार को करने का विचार ही नहीं आ रहा। जैसे कि वाहन धरती के ऊपर ही चलते हैं, यानी सड़कों पर ही चलते हैं, इसी प्रकार से हमारे विचार आज्ञा के चराहों पर, सड़कों पर विचरते रहते हैं। लेकिन जब हमारी चेतना इस अवस्थाओं को पार कर मुक्त हो जाती है, तो विचारों का विचरण समाप्त हो जाता है, क्योंकि विचार रूपी वाहनों में बैठने वाली चेतना ही उपस्थित नहीं है। तो भला विचार रूपी वाहन कैसे चलेंगे? चेतना तो अब निरानंद रूपी ज्ञान में स्थित है, और यह ज्ञान हमारे ही भीतर स्थित अंतरिक्ष के नजारे दिखाने में मशगूल है। तो भला विचारों का काम ही क्या रह गया? इस गहन अंतरिक्ष में दूर दूर तक अपनी चेतना को ले जाए, और दूर ले जाकर भी उसकी प्रतिक्रियाओं को आत्मसात करना ना भूले, क्योंकि यही हमारी कमाइयां हैं, यही हमारी अर्निंग है। अब अपनी चेतना को हम और ऊपर ले जाते हैं, परे, जिसके बारे में हम, हमारा माइंड कुछ नहीं जानता, अंतरिक्ष से परे की अवस्था, बियॉन्ड स्पेस, यानी परम पिता का साम्राज्य है। ले चलते हैं अपनी चेतना को शून्यता के सरोवर में, काफी अरसा हुआ चेतना को शून्य सरोवर में स्नान नहीं कराया। उतरते हैं शून्यता के सरोवर में, असंख्य
जिस नाम के साथ, जो इस काल में शून्यता का आनंद उठा रही है, शून्यता के सरोवर में स्नान कर चेतना निरानंद में खोती जा रही है और उसकी प्रतिक्रिया, निरानंद की प्रतिक्रिया हमारे भीतर भी खड़ित हो रही है। शून्य सरोवर तो परम पिता की करुणा से, प्रेम से बना है, उनकी करुणा में प्रेम रूपी जल हमारी चेतना को निर्मल कर देता है, स्वच्छ कर देता है, विकार रहित कर देता है और तभी जाकर हमारी चेतना में यह सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वो पिताश्री के हृदय का अंग प्रत्यंग बन सके, क्योंकि परम पिताश्री का हृदय तो स्वच्छ है, निश्चल है। इसके भीतर निरंतर उनकी शक्तियां बहती रहती हैं। स्वच्छ होकर चेतना चल देती है, मदमस्त होकर परम पिता के हृदय की ओर। यही हम सब की चेतनाओं का घर है, शयन कक्ष है, क्रीड़ा का मैदान है। धीरे धीरे विशालतम परम पिता अनदेखे अनसुने अस्तित्व में प्रवेश करती है। हृदय में जाकर बैठ जाती है, ऐसा
प्रतीत होता है मानव। बहुत लंबे समय तक श्रम करने के बाद जो आराम की अनुभूति होती है, वैसी ही सुखद अनुभूति हमारी चेतना को परम पिता के हृदय में होती है। परम के हृदय में ही अपना भाषण जमा लेती है हमारी चेतना और निश्चिंत होकर आराम फरमाने लगती है। ऐसी अवस्था में हम सभी भाव रखेंगे, हे परम प्रिय परमात्मा, जो कुछ भी हमें अपना सा महसूस होता है वह सभी कुछ आपके श्री चरणों में अर्पित है। हमारी चेतना देह से हटकर आपके हृदय का अंग प्रत्यंग बन गई है। हमें सदा ऐसी ही स्थिति का आनंद देते रहना। और लगातार अपने सानिध्य में हमें रखना और साथ ही प्रभु जो भी कुछ हमारे भीतर प्रकृति या परमात्मा या इंसानियत के विरोधी है, यदि कुछ भी शेष है तो उसको अपने पावन निर्मल प्रेममय वात्सल्यमय जल से धो दीजिए। उन्हीं के हृदय में अब हम एक सुखद निद्रा का